जय श्री गणेश जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों की, कैसा रहेगा आपका दिन। तो आपको बोलना चाहूँगी कि आपका प्रेम का समय, व्यवसाय का समय, धन संपत्ति का समय और वैवाहिक जीवन का समय बहुत अच्छा है। बेहतरीन यादें आप जीवन साथी के साथ जोड़ पाएंगे। किसी धार्मिक समारोह या सामाजिक समारोह में जा सकते हैं, किसी गोष्ठी में भी जा सकते हैं। अगर आप इससे प्यार करते हैं तो बेपनाह प्यार होगा आपका उसके बीच में। परिवार के मामले में जहाँ तक कहूँगी कि परिवार में थोड़ा सा आपका तनाव हो सकता है, टेंशन हो सकती है। किसी बात को आप बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। धन संपत्ति के बारे में बोलूँगी कि अगर आपका कोई धन संपत्ति का मामला है, बहुत पुराना अटका हुआ है या आप पे कोई कर्जा हो रखा था, तो वो अपने पट जाएगा। अगर आपको किसी से कर्ज चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक और बात बोलूँगी, बुधवार को कभी किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए, वो कर्ज कभी निपटता नहीं है, तो उसका ध्यान रखिए। साथ में अगर आप विश्वास रखेंगे अपने ऊपर तो आप किसी भी चीज़ से निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तनाव हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है या आपको मानसिक अशांति हो सकती है, उससे आपको बचना है। और लंबे समय तक से अगर कोई बीमारी आ रही है चलती हुई, तो वो आपकी छुटकारा की जाएगी, हो जाएगा। कुल मिला के आपका टाइम अच्छा है, सिर्फ स्वास्थ्य का और परिवार का ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, बाकी आपका टाइम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे तो भगवान शिव के दर्शन कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, उनको जल चढ़ाइए और साथ में पीला सोना धारण कीजिए, सबको फायदा होगा। तो वृश्चिक राशि वालों, बाकी आपका टाइम अच्छा है, फैमिली के साथ आपका अच्छा टाइम बीतेगा और सब कुछ सही है। उम्मीद है कि आपको ये राशिफल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी समस्या है तो 8126476399 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कृपया करिए कॉल ना करें क्योंकि मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।